नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ पेटीकोट। तो पेटीकोट की लंबाई है 38 इंच और कमर का नाप है 29 इंच। तो बहुत ही दुबली पतली लड़की के लिए मैं ये पेटीकोट बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और इसका फुल मैं कपड़ा मतलब दोनों साइड की चौड़ाई रखकर पेटीकोट बनाऊंगी, तो नीचे का घेर बहुत ज़्यादा आएगा और वो दुबली पतली है तो फिर इतना ज़्यादा घेर पर साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि देखिए, कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है मैंने और साइड में मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और दोनों तरफ मिलाकर 8 इंच कपड़ा निकल जाएगा, 4 इंच नीचे की साइड में और 4 इंच इधर की साइड में। तो इस तरीके से देखिए, मैं 4 इंच पर निशान लगाकर एक लंबी पट्टी कट कर रही हूँ, जो हमें नेफिया बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसकी पेटीकोट की लंबाई फुल है। तो आपको पता है कि 1 मीटर कपड़े में 39 इंच ही आता है, तो ये कपड़ा तो हमें फुल रखना है, तो इसके नेपे के लिए अलग पट्टी चाहिए होगी। तो इसीलिए मैंने इसमें से निकाल दी है और वैसे भी वो दुबली पतली है तो हमें इतना घेर चाहिए नहीं होगा। तो देखिए, डबल फोल्ड कपड़ा तो पहले ही था, अब इसको और डबल कर देंगे, मतलब 8 फोल्ड हो जाएगा, 8 लहर हो जाएगी इस कपड़े की। तो देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से हम कली कट करेंगे पेटीकोट की। तो देखिए, जुड़ा हुआ था 2 मीटर कपड़ा, तो उनको 1-1 मीटर अलग कर दिया है, मतलब 2 पार्ट कर दिए हैं इस पर। और देखिए, मैं निशान लगा रही हूँ इधर 5 इंच पर, तो 5 इंच का मतलब 8 भाग करो तो 40 इंच हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच हर कली में सिलाई में चला जाएगा और थोड़ा बहुत बचेगा तो हम छोटी छोटी चुन्नटें डाल देंगे। तो देखिए, 5 इंच इस तरफ और 5 इंच इस तरफ हम निशान लगा कर कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और देखिए, नीचे की कली कई कली है कि आ रही है, मतलब 9.5 इंच की कली बन जाएगी, तो 9.5 इंच की 8 कलियां बनेगी, 9.5 इंच की। तो इस तरीके से खूब घेर हो जाएगा पेटीकोट में। तो देखिए, इस तरीके से 2 कलियां तो जुड़ी हुई है, देखो दोनों भाग पर, और 2-2 कलियां अलग अलग रहेगी। तो इस तरीके से इन पर इस तरीके से रख कर हम सिलाई लगा देनी है। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने इस तरीके से कलियाँ रख दी हैं ऊपर, तो दोनों भाग के अलग अलग कलियाँ रख कर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से पेटीकोट बहुत ही आसानी से बन जाता है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, नीचे एकदम गोलाई आती है पेटीकोट में और कपड़ा भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है। आप देख सकते हो, मेरा 1 इंच कपड़ा भी इसमें बिल्कुल वेस्ट नहीं गया है। और कलियां जोड़ने के बाद में भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे कलियां नहीं हो रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है कलियां और बिल्कुल कपड़ा कट करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से मैं पेटीकोट बनाती हूँ, चाहे कितना भी मतलब कितनी भी ज़्यादा कमर हो या कम हो, इसी तरीके से आप पेटीकोट बना सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से मैं दोनों मतलब जुड़ी हुई कलियों के ऊपर 1 कली रख कर पेटीकोट बना रही हूँ। और अगर आप कली वाला लहंगा बना रहे हो तो इस तरीके से कली वाला लहंगा भी बना सकते हो, 20 इंच। इसमें ये करना है कि ये जुड़ी हुई कली है, इस पर भी एक सिलाई लगा देनी है बीच में, ताकि ऐसा लगे कि ये भी अलग अलग कली है। देखिए, दोनों भाग पर मैंने कलियाँ जोड़ कर इस पर भी सिलाई लगा कर जोड़ देंगे, तो उस पर भी मैंने सिलाई लगा कर जोड़ दिया है। अब मैंने ये बेल्ट का कपड़ा लिया है नेफा का, तो ये 30 इंच का मैंने कट किया है, आधा आधा इंच दोनों तरफ मोड़ कर सिलाई करने में चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं बेल्ट बना रही हूँ, बेल्ट बोल सकते हो, नेफा बोल सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा। तो देखिए, 30 इंच का बेल्ट है और इस पर छोटे छोटे मतलब कट लगा देंगे ताकि निशान बन जाए, हमें पता रहे कि पेटीकोट पर कितनी जगह चुन्नटें आएगी। तो एक कट पर 2 कलियाँ जुड़ेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें चुन्नट डालनी है कि नहीं डालनी है। तो देखिए, मैंने 4 चुन्नटें डालूंगी छोटी छोटी, बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा है कलियों में,
तो वो चुनेटे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, और पेटीकोट ज़्यादा फिट भी नहीं रहेगा, चिपका चिपका। तो इस तरीके से पेटीकोट बना देंगे और ऊपर का नेफा जो अटैच कर देंगे। छोटी छोटी चुन्नटें डाल रही हूँ, देखिए इस तरीके से। फिर इस कपड़े को ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। आप वीडियो में देख सकते हो, इसी तरह से ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से ये पेटीकोट बन जाता है। और देखिए लंबाई का कपड़ा हमें 38 इंच पेटीकोट लंबाई में चाहिए, तो 2 इंच हमारा ऊपर का नेफा जुड़ गया है और आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो उसको इसी तरह से आप फोल्ड करते हुए गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो बराबर ये 38 इंच का पेटीकोट बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने गोलाई में सिलाई लगा दी है और कुछ इस तरीके से पेटीकोट बनकर तैयार हुआ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और कुछ जानकारी चाहते हो तो भी कमेंट करना, मैं ज़रूर बताएंगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बाय।